उस दर्जे पे थोड़ी सी सुकून का सबब बनती हैं लेकिन इस वक्त हम जिंदगी के हर फील्ड में तकरीबन हेल्थ से रिलेटेड या ज़िंदगी से रिलेटेड बाकी चीज़ें जो है ना वो सियासत में नहीं कर रहा हूँ हम दुनिया के लिए एक परेशानी की वजह बने हुए हैं स्टेंटिंग से लेकर के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन तक मेटरनल डेथ से लेकर के इन्फेंट मोटिलिटी तक से वेस्टिंग से लेकर के जितने भी इंडिकेटर्स हैं हमारे हेल्थ के एजुकेशन के हाइजीन के वो हमारे सा, सारे पोरस से पोरस्ट हैं इसीलिए हमारा रिजन हमारे लोग चारों तरफ की जो टेक्निकल बॉडीज़ हैं यूएन एजेंसीज़ हैं वो परेशान हैं प्रोफेसर साहब ने कुछ बातें ऐसी कीं। उसमें मैं दो बातें करूँगा हम जब तक थोड़े बहुत थोड़े बहुत थोड़ा बहुत हक का सामना नहीं करेंगे हकीक़त हा, नहीं बोलेंगे सच नहीं बोलेंगे तो मेरे ख़्याल में हमारी सोसाइटी हमारी माशरा हमारी हेल्थ एंड वेल्थ वो डेवलप नहीं हो सकती सबसे पहला सच बोलना होगा उस्ताद को और उसके बाद उस्ताद वो भी उस्ताद ही कहलाता है एक हवाले से लेकिन चलो मैं उसको उस्ताद कहना देता हूँ दूसरा है हमारा मुल्ला आलम मेंबर पे जो बैठा हुआ हमारा ज़िम्मेदार शख्स है जिनके हाथ में मजहब का बागदौड़ है जो लोगों के माइंड बनाता है अगर वो कुरान पाक की आयतों का बेहतरीन तर्जुम आसान अल्फाज में तर्जु अपने आवाम अपनी मुक्तदियों के लिए करें तो मेरे ख़्याल में हमारे 99.9 मसाइल मसाइल का हमारा हल उन्हीं में है क़ुरान पाक में माँ और बच्चे फैमिली ख़ानदान माशरे मुल्क इन तमाम की डिफ़िनेशन भी पड़ी हैं उनके अकूक भी हैं उनके फ़रज़ भी हैं माँ की पैदाइश से ले करके मतलब आप एक अंदाज़ा करें कि, कि कुरान पाक वो अजीमसान किताब जो मकमल जिंदगी और हयात की टोटल एक प्रिंसिपल मतलब एक एक लफ्ज उसमें लिखा हुआ है उन्होंने एक ऐसी लफ्ज़ को का भी यूज़ किया है खून का लोथड़ा ये कुरान पाक तो उससे लेकर के फिर उससे एक अशरफुलमखलूक़ात पैदा करना इनके दरमियान ये जो थोड़ा सा जो ब्रिज हैं इस ब्रिज की जो छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं अगर मौलाना साहब यह हमारे आवाम को सही बता दें कि एक माँ का एक खातून का अपने शोर पे क्या हकूक़ और फ़राज हैं और उस हकूक और फ़राज़ को बजा लाने के लिए उस शोर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये अगर सही ही बताई जाएँ और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अगर कंप्लीट करें और फुलफ़िल करें तो वो उस बच्चे को जो बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली के पैला वो उनको उन्होंने क्या देना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर के कंपिलिटी फीडिंग और सारी चीज़ें और उसमें यानी आप तसर कर लें कि साढ़े चौदह सौ साल पहले भी उस कुरान में ये वो है कि एक औरत को आपने इंडिपेंडेंट बनाना है जब वो इंडिपेंडेंट बनेगी वो अपनी डिसीजन खुद करेंगी उसकी बॉडी में एक प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट हैं है, जो दूध हैं उसकी कीमत अल्लाह पाक ने रखी है और उस कीमत कम उस कीमत उस शोर उसके शोर को दोड़ना पड़ेगा कि वो उसके बच्चे को वो दूध पिलाएं ताकि वो कीमत जो वो अदा करें ज़रूरी नहीं कि मतलब इनकेश ये बात हो ये उनकी पीस सुकून में रहायश इज़्ज़त सबसे ज़्यादा खो, खो, खातून को क्या चाहिए रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुल लिविंग चाहिए तो अगर शोहर उसको रिस्पेक्टफुली लिविंग का मौक़ फ्राहम करता है तो मेरे ख़्याल में वो ख़ातून फिर रिस्पेक्टफुल उस बच्चे को भी पालेगी और वो माँ जिसको हम पेली मदरसा कहते हैं तो वह उस अपनी फ़रज़ वो कर लेंगी जो सफ़ेद साहब ने तो उसकी बहुत ज़्यादा वो की मैं चूँकि एक ऐसे इलाके से ताल्लुक है ना कि वहाँ पर मैंने अपने माँ से कहा कि अपनी माँ से मैंने कहा मैंने कहा अम्मा हम भाई चार भाई हो गए और चार बहनें हो गई हैं तो ये बस नहीं है मतलब मतलब अभी तो रात को जो पहला थप्पड़ मुझे लगा वो मेरे बाप का मुझे लगा कि तू कौन होता है ये फ़ैसला करने वाला तो मैंने माँ को कहा मैंने तो आपकी यारी दोस्ती में ये बात की और आपने इतना मतलब फ़ौर शिकायत कर ली पलाना तो कहने का के मतलब ये कि हम एग सोसाइटी में रहते हैं कि अगर यही मेरी माँ यही बाकी लोग अगर थोड़ी सी ये एजुकेशन के हवाले से ये मजहबी तौर पे वो <coughs> ये वाला एजुकेशन अगर वो एजुकेटेड नहीं थे तो मजहबी तौर पे अगर हमारे मजहबी अक, अकायद के लोग प्रचार करने वाले अगर उनको सही बताते हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग वी आर टॉकिंग प्लानिंग देर आर सेवन चेयर्स तो उन सेवन चेयर पे सात लोग ही बैठ सकते हैं आठवां किसी के शोल्डर पे बैठेगा या किसी के सर पे बैठेगा तो इन मुश्किल को और उनसे फिर आउटकम उसका क्या निकलता है आउटकम ये निकलता है ना कि आप फिर नाइंसाफी करेंगे आप पहले ख़ुद गोश्त काेंगे फिर मेहमान को देंगे फिर खुद खाएँगे फिर मर्द बच्चों को देंगे फिर लड़कियाँ तो अवस्खान तो पर हम बिठाते नहीं हैं फिर जब बिठा अगर बिठा भी देते हैं तो दूसरे कमरे में फिर माँ के साथ फिर माँ और उसके दरमियान जो प्यार का होता है तो जो थोड़ा बहुत टुकड़ा तु, बच जाता है उसके लिए वो अपनी वो बच्ची को दे देता है तो माँ के लिए तो फिर कुछ नहीं रहा वो साल में एक आलू उधर उधर प्यारता हुआ तो हमने एजेउल माशरे को इस मशरे को के जो चेंजिंग एजेंट है वो कौन है वो आप हैं आपके मैसेज नौजवान बच्चियों से बात करें प्लीज़ उसको इंगेज करें हमारे नौजवान बच्चे सेक्चुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नहीं जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं हमारे नौजवान बच्चे और बच्चे नहीं जानते हैं उनको मूवीज़ और वीडियोस और सारी चीज़ें वो देखते देखते हैं लेकिन जो एक्चुअल उसकी पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनके बारे में उनको एलम नहीं है टीचर आप बता दें अगर आप इस्लामियात की भी टीचर हैं तो प्लीज़ फॉर गॉड से टॉक अबाउट समथिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप मैथमेटिक्स की भी टीचर हैं तो प्लीज़ टॉक अबाउट समथिंग अबाउट हाइजीन वॉशिंग ऑफ द हैंड उस खुवातियों को उस बच्चों को करेंगे अर्ली डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट में हम बात करते हैं ना ये इसकी फाउंडेशन क्या है इस फाउंडेशन एडोलिसेंट हेल्थ से शुरू होती है ना एडोलिसेंट हेल्थ की अगर हम अब उन, उनकी अगर हम ख्याल नहीं रखें वो अगर माइक्रो न्यूट्रशन डिफिशेंट हो जिस तरह सर ने कहा तो उस डिफिशेंसीज वो डिफिशेंसीज बिल्ट होती है बिल्ट होती है बिल्ट होती हैं है. अभी अगर मैं आप सब की यहाँ पे लेबॉरटरी वाले को बुलाऊं और यहाँ पे स्पेशली खवानी का अभी यहाँ पे वटामिन डी का कर टेस्ट करना शुरू कर दूँ तो मेजॉरिटी ऑफ यू नाइन्टी परसेंट ऑफ यू विल हैविंग वटामिन डी डिफिशेंट यू आर डिफिशेंट आप कॉलेजों स्कूलों में जा कर के देख लें सर ने बात की टेन ये दस साल के बाद आपको चार फुट पाँच फुट के बच्ची और बच्चा नज़र नहीं आएगा वो छोड़ो मेरी माँ की फरमाइश मेरी शादी कर रही थी उन्होंने कहा कि छः फुट कद हो उसकी और ये फलाना हो इतने लंबे लंबे हाथ हो फाना फलाना हो ताकि बड़ी बड़ी रोटियाँ बना सकें वो नहीं होगा ये ख़त्म हो जाएगा तो मेरी गुजारिश ये है कि एज ए टीचर अल्लाह पाक ने आपको एक वो किया है मैंने आज तक मैं किसी के लिए मतलब बहुत कम ऐसे मौके हैं बेरोट थोड़ी सी वो होती हैं मैं उस्ताद की जितनी इज्जत वालदे मेरे नहीं है मत जो जो मेरे दिल में है जो मैं उसकी इज्जत करता हूँ आप यकीन करें किसी और की नहीं करता चाहे वो जितने भी हमारे इलाके में बहुत सरमाएदार लोग होते हैं अल्लाह के कभी भी उसके लिए खड़ा हुआ वो हूँ लेकिन उस्ताद के लिए जो प्रायमी मेरा उस्ताद है प्रायमी का उस्ताद है उसके लिए भी खड़ा हुआ हूँ और हूँगा और वा रहूँगा बिकॉज इट इज़ योर राइट आपने मुझे आईवान से इंसान बनाया ठीक है बच्चे और आवाम इन अनएजुकेटेड के और एक ऐवान के क्या फ़र्क है कुछ फर्क नहीं है तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसकी फाउंडेशन आप रख सकते हो कि जब कंसीूमेंट से पहले जब कंस्यू हो अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट जब ब्रेन डेवलपमेंट जब होती हैं आफ्टर सिक्स मंथ शुरू हो जाती है ना तो वहाँ पर अगर डिफिशंसीज एक मरतब घुस गई ना तो उसके रिजल्ट फिर स्ट्रेंथिंग और वेस्टिंग ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और स्ट्रेंटिंग और वेस्टिंग यानी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इिवर्सेबल हैं फिर आप जितनी भी उनको वो सरमादार सरमाया उस पर लगा दें तो वो इिवर्सेबल है क्योंकि जो डैमेज उसकी दिमाग ब्रेन को हो चुका है आई लेवल उसका गिर चुका है वो गिर चुका है तो मेरी गुजारिश ये होगी कि फाउंडेशन हम और दूसरी बात हम हेल्थ के लोग आप ही पे, यहां पे की रिकमेंडेशन पे यहाँ इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हमारे दो तीन जो हमारे दोस्त हैं हमारे कुलीग हैं उनकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस हमने उन्होंने जब बच्चों के यहाँ पढ़ाएँ उनकी बहुत सारी रिकमेंडेशन हमने पॉलिसी में अपनी पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म की है और ये हमारा वादा है आपके साथ कि आप इन्हीं बच्चों से जब आप गुफगू करते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं क्लास में आप डिस्कशन करते हैं तो इनसे कुछ ऐसी चीज़ें जो आती हैं कि आप समझती हो, समझते हो सम ए टीचर आप कहते हैं कि ये चीज़ें आपके पॉलिसी मेजर्स में होनी चाहिए कि इनेबलिंग इन्वॉर्मेंट इस बच्चों बच्चों के लिए किस तरह हमारी हायर लेवल के पॉलिसियों पर होनी चाहिए लॉज में होनी चाहिए तो विल डू दैट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ लाइक यू और यहाँ पे ये यूनिसेफ की जो इसकी निकादा उन्होंने यहाँ पे अकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किए आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यूनिसेफ एंड टीम डॉक्टर अब्दुल्ला इज़ अ ग्रेट एंड वंडरफुल गाए इन रोजा इन टीम सो देर यूली लुक इन टू आवर रिकमेंडेशन एंड दे इंगेज द पीपल हु मेटर्स So, you are those people who matter for the society and for the best health and the good health. I'm extremely thankful for your, for your time and patience listening to me. Thank you so much.